नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्स्काय। अपने बच्चों से हमारा जमाना तुम्हारा जमाना का राग गाने वाले पेरेंट्स अपनी उस जिंदगी को भूल जाते हैं जब वे खुद टीनेजर थे। वो भी मस्त मलंग बिंदास, किसी की परवाह ना करने वाले हुआ करते थे। अब कौन उनसे पूछे कि आपका खुद का कितना संयमित व्यवहार था। उसमें कोई दो राय नहीं कि उस जमाने में और इस जमाने में वाकई बहुत बड़ा अंतर है। हमारा जमाना ऐसा था, तुम्हारा जमाना ऐसा है। पेरेंट्स और यंगस्टर्स के बीच होने वाली इस रस्सा कशी में एक बीच का रास्ता तलाशने की जरूरत है। एक ऐसा रास्ता जो जेनरेशन गैप के इस वाद विवाद को खत्म करने वाला हो। यहाँ समझौता दोनों को करना होगा। पेरेंट्स को सिर्फ बच्चों को उपदेश देने के बजाय सब्र करना होगा। हालांकि ये इतना कठिन है कि इसकी पीड़ा सिर्फ पेरेंट्स ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा तभी यंगस्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे। यंगस्टर्स भी ध्यान रखें, अपने माता पिता को कहीं भी बिना बताए हर दूसरे दिन इधर उधर कई कई दिनों तक घूमना उनकी चिंता बढ़ाता है। जरा भी सोचें खुद को उनकी जगह पर रखकर कि बिना बताए बच्चा अगर गायब रहता है तो माँ बाप को चिंता होना स्वाभाविक है। पुरानी पीढ़ी के पास हर बात हर चीज का तजुर्बा अधिक होता है। वो लाइफ के विभिन्न पहलुओं, चाहे वो पारिवारिक हो, समाज से जुड़ा हो या राष्ट्रहित से संबंध हो, हर मुद्दे पर उनका अनुभव खासा कीमती होता है। वे अलग अलग मौकों पर वास्तविकता का सामना कर चुके होते हैं, इसलिए उनमें सही गलत की पहचान भी बेहतर होती है। वहीं नई पीढ़ी के पास अनुभव तो सीमित होता है, लेकिन उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की उत्सुकता गजब की होती है। इस परिस्थिति में अगर दोनों पीढ़ी अपनी अपनी विशेषताओं को एक दूसरे के साथ मिलाकर कार्य करने की भावना विकसित करें तो हमारे देश एवं समाज को अधिक लाभ होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल्स्काय।